दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने जो है ऑलरेडी BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की वैकेंसीज़ के बारे में शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया हुआ था। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं इसका जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा और यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन सेंटर है, कहाँ कहाँ पे है, सारी चीज़ जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो पसंद आया ज़रूर एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदार में शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं BHEL में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकल रखी है, ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे क्या आपका जॉब लोकेशन होगा, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन या फिर कह सकते हो यूनिट रखा गया है जो BHEL की लोकेशंस है। जैसे कि दोस्तों कॉर्पोरेट ऑफिस में टोटल जो वैकेंसी है 13 है, पावर सेक्टर में 10 वैकेंसी, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर में जो है एक वैकेंसी। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे दोस्तों तो 40 वैकेंसी जो है टोटल यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे झांसी, बेंगलोर, वाराणसी, बीजैक, हरिद्वार, रुद्रपुर, जगदीशपुर, रानीपेट और इंडस्ट्री सेक्टर में जो है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पोस्ट को तो आप सभी को मालूम है, सुपरवाइजर पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी निकल रखा है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, उसके लिए जो है यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, BCOM के कैंडिडेट, 27 साल जो है एज लिमिट है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो आपका परसेंटेज है वो 70% होना चाहिए हर एक सेमेस्टर में, या फिर ऑल जो भी आपका ईयर है हर एक सेमेस्टर में जो है आपका 70% एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब हर एक सेमेस्टर बोले तो आपका जो पूरा एग्रीगेट है, जो भी 3 साल का कोर्स है उसमें जो है 70% होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपको जो है 60% जो है यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों अगर जैसे कि जो कैंडिडेट लास्ट ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है उनके बारे में बात की जाए, तो उनका जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 30 जून 2021 से पहले अगर इनका सारा इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनका पासिंग हो जाता है या डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर सकते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन, तो वो जो है फॉर्म के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज लिमिट दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बाकी जो रिलैक्सेशन है आपके कैटेगरी के हिसाब से जो है दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें जो है 2 स्टेज होंगे। पहला स्टेज दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें दोस्तों आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। दूसरा स्टेज दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है, तो 1:5 रेशियो में जो है आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे ऑनलाइन पेपर होगा उसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, और ये जो है आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। दूसरा स्टेज दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का है जैसे कि मैंने बताया, और जो फाइनलिस्ट बनेगी वो आपका एग्जामिनेशन स्कोर जो आपने गेन किया है एग्जामिनेशन में उसके बेसिस पे जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों सैलरी जो है आपको 1 साल जो है ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ट्रेनिंग दौरान दोस्तों आपको 32,000 बेसिक जो है दिया जाएगा, 32,000 से लेके 1 लाख तक का यहाँ पे बेसिक पे आपका रखा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1,20,000 यानी 33,000 से लेके 1,20,000 तक जो है आपका यहाँ पे सैलरी रहेगा, जिसका बेसिक पे दोस्तों 33,500 रहेगा। यहाँ पे लगभग अगर सैलरी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे अप्रॉक्स दोस्तों 7.5 लाख पर एनम का जो है यहाँ पे वैकेंसी रहेगा ड्यूरिंग सुपरवाइजर ट्रेनिंग के दौरान। इसके साथ दोस्तों आपके और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लिया गया है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं जो SC ST कैंडिडेट उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट थे उनके मन में डाउट था कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होने वाला है, और तो यहाँ पे दोस्तों जो एग्जामिनेशन सेंटर है उससे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2021 रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन डेट की भी रखी है 23 मई 2021 को जो इसका एग्जामिनेशन डेट भी रखा गया है। तो बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात चल रही है। देन दोस्तों बात करते हैं यहाँ इसके सिलेबस के बारे में दोस्तों। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों उसमें जो है आपका SSC पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलोअप किया जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे क्वांटिटी मैथ, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो ये बहुत ही सुनहरी जॉब है ये, तो जहाँ पे आप जो है दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दोस्तों 01/2021 है। इसका लिंक मैं जो है आपको quicktechd.com ये वेबसाइट है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से हेल्पफुल मिल जाएगी। सो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर लाइक और शेयर करें।